हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिरिंज से ऐपड़ बनाने वाली कोन, जो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं और इससे ऐपड़ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक फेविकॉल का डब्बा ले लिया है, सिरिंज ले ली है और उसके निडल को हमने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि निडल ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने निडल के निचले हिस्से को अच्छे से कट कर लेना है, जो उसमें क्रॉस के निशान बने हैं। अगर हम कट नहीं करेंगे तो ये हमारे फेविकॉल के ढक्कन में अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। ये देखिए, हम इसे कट कर रहे हैं। ये कोने पर होते हैं सिरिंज के, तो हमको उसको कट करना होता है और उसको स्मूथ बनाना होता है थोड़ा, नहीं तो इसमें से हम जो कलर इसके अंदर डालेंगे हम फेविकॉल के डब्बे में, तो बाहर निकलने लगेगा। तो अच्छे से अगर हम इसको फिक्स करके नहीं डालेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसे अच्छे से कटर से कट कर लेंगे। तो देखिए, हम इसे अच्छे से काट लेते हैं। ये अच्छे से कट हो रहा है और हमने इसे थोड़ा सा अच्छे से इसके प्लेन करने की कोशिश की है। तो आप भी इसको अच्छे से कट करके क्लीन कर लीजिएगा। तो अब हम इसको इसके अंदर जा डालेंगे, बट ये अभी इसमें फिक्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम इसकी आगे की नोक को अच्छे से काट लेते हैं। जहाँ पर ये फिक्स होगा हम यहाँ पर तक इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हम इसको अच्छे से कट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें जा पाता है नहीं। ओ, तो ये अभी भी नहीं जा पा रहा है, तो हम इसको और अधिक कट कर लेंगे। देखिए, हमने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हमारी नीडल इसमें अच्छे से पहुंच रही है, तो अब हम इसको पीछे से भी काफ़ी लंबा है तो इसे भी हम काट लेंगे। और हमने इसकी निडल को भी थोड़ा छोटा कर देना है, क्योंकि लंबी होने से हमको इसको ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर लिया है और इसको अच्छे से आगे को पुश कर देंगे और फेविकॉल से इसको फिक्स कर देंगे। फेविकॉल से तो ये नहीं रुक पाएगा, तो हम इसको फेविक्विक से हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हम फेविकॉल के डब्बे में, जो हमने अच्छे से साफ कर लिया था, इसमें फैब्रिक कलर डाल देंगे। इसे हम कपड़े पे भी यूज़ करते हैं, काफ़ी मजबूत होता है, निकलता नहीं इतनी आसानी से। तो हमने इसे फेविकॉल के डब्बे में भर लिया है। आप चाहो तो इसके अतिरिक्त इसमें पेंट भी डाल सकती हो, जिस कलर में आपको उसको बनाना हो उस कलर का कलर यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक कलर से भी हम इसको बना सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है। ये देखिए, हमारी कोन बनके तैयार हो गई है और हम इसे अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, कितने इजी और सरल तरीके से ये हम बना रहे हैं। ये डिज़ाइन देखिए कितनी आसानी से बन जा रहा है, क्योंकि हमें बार बार कलर भी नहीं लेना पड़ता और बहुत आसान होता है ऐसा बनाना। ये देखिए, अगर हम इसे अभी ब्रश से बनाते तो हमको बार बार कलर लेना पड़ता, और वो कई बार ऐसा होता है, हम बनाते हैं और वो कलर फैल जाता है, कई बार हमसे ही गिर जाता है। तो हम इस टेक्निक से बनाएंगे तो ये बहुत इजी तरीके से बनेगा और अच्छा भी लगेगा, जैसे हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं साफ और अच्छे तरीके से बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी इजी तरीके से हम बना रहे हैं। जैसे हम पेन से वर्क करते हैं, सेम उसी टाइप का वर्क हो जाता है हमारा इजी। ये देखिए, और जल्दी जल्दी भी इससे पूरा हो जाता है जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और बहुत आसानी से ये बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए, तो है ना ये इजी।
ये देखिए कितनी आसानी से हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए इसके अलावा भी बहुत और तरीके से हम बना सकते हैं। ये हमने एक और कोन हमने ले ली है, ये हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर जहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसे देख सकते हैं। ये देखिए कितना इजी तरीके से इसे भी बनता है। इसमें कलर था ऑलरेडी, तो हमने इसमें एक्रेलिक कलर भरा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से निकल रहा है। तो आप भी इस टेक्निक को अच्छे से ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी कोन से बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स दिवाली आ ही रही है, बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है दिवाली। तो आप के पास अगर समय नहीं है, तो ये बहुत इजी तरीका है कि आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस टेक्निक को एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही आसान और इजी है।